तो इस वीडियो में देखेंगे हम लोग रियलाइजेशन ऑफ ऑल लॉजिक गेट्स यूजिंग नैंड एंड नॉर गेट, जो कि यूनिवर्सल गेट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉट गेट का, राइट, नॉट गेट, और बहुत आसान में सीखेंगे, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो नॉट गेट को आप जानते हैं कि इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसका एक इनपुट होता है और इसका जो आउटपुट होता है उसका इनपुट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, राइट। सो इसको डिजाइन करने के लिए यूजिंग, फर्स्ट हम लोग देखेंगे यूजिंग नैंड गेट, ठीक है, नैंड गेट। सो नैंड गेट को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो, लेकिन अगर नॉट बनाना हो तो इसको दोनों इनपुट को हमको एक साथ कंबाइन करना, तो ये हमारा एक्स हो जाएगा। जो हमारा बाई होगा वो किस तरह से होगा, नैंड क्या करता है, ऐसे करता है और उसका कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो एक्स डॉट एक्स का कॉम्प्लीमेंट एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नैंड गेट से हुआ। अगर हमें देखना है यूजिंग नॉर गेट, तो नॉर गेट हम इस तरह से डिजाइन करते हैं। तो इसमें क्या करना है कि हमें एक गेट, इसको भी सेम दोनों इनपुट को एक इनपुट से कनेक्ट करने के बाद हमारा जो हो जाएगा एक्स प्लस एक्स का बार, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स बार। तो जैसे मैं 0 × x करोगे तो जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 0, ठीक है। अगर 1 × x करोगे तो हमारा आ जाएगा x, और x × x करोगे तो हमारा x आ जाएगा, ठीक है। अगर x को 0 दोगे तो 0 आ जाएगा, 1 दोगे तो 1 आ जाएगा, और इसमें 0 1 सेम। और सेकेंड केस के लिए होता है 0 + x, तो हमारा क्या आ जाएगा, x, और 0 + सॉरी, यहाँ पे 1 + x दोगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 1, और x + x दोगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा x। सो इसीलिए यहाँ पे x आ जाएगा और x का होल कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ पे x आएगा और x का होल कॉम्प्लीमेंट। तो नॉट गेट को डिजाइन करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ नैंड लगे, सो नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू डिजाइन नॉट गेट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, और नंबर ऑफ नॉर गेट, राइट, नंबर ऑफ नॉर गेट रिक्वायर्ड टू डिजाइन नॉट गेट, ठीक है। तो इसमें भी हमारा आंसर आ जाएगा 1। सो इस तरह से हम नॉट गेट को यूजिंग नैंड गेट और यूजिंग नॉर गेट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था नॉट गेट को इम्प्लीमेंटेशन।